हुकूमत नफरत की खेती करती है जनाब, हम मोहब्बत की फसल काटने वाले किसान हैं। नाम है तस्वीर जी, मैं संजय के पास काम करता हूँ। हम लोग को 10 साल हो गए साथ में काम करते हैं। हमारी तो दोस्ती है जी, दोनों से बचपन से दोस्ती है। ये हमारे साथ रहते हैं, पहले दिन पे कहीं भी जाते हैं आते हैं, कट्ठे चले जाते हैं आ जाते हैं, साथ बैठ कर खाते हैं दोनों। पंचायती जमीन है जी, ये 1 साल के लिए पट्टे में मिलती है। समस्या तो ये जो फसल बेचते हैं वो टाइम पर बिकती नहीं, उनका टाइम पर पैसा नहीं आता, नहीं कोई सरकारी सुविधा मिलती। किसानों को कोई इज्जत नहीं देती जी, ये सरकार ऐसी आ रही है, सब कुछ महंगा कर दिया। ये गरीब आदमी कहाँ से खाएगा और कहाँ कमाएगा, काम नहीं लगा, भूखे मरे आधे बाद। जमी के जर्रे जर्रे से उग रहे हैं दर्द के दाने, साहब का दावा खुशी दोगुनी करने का था। आप चलोगे हमारे साथ? हाँ, नमस्कार, कैसे हो आप? ये टूटता नहीं है, खराब नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता, और इसके जो औजार है ये भी नहीं होते। कितने साल चलते हैं? चलते हैं 15-20 साल। तो आपने ठेके पे ले रखी है, और आप क्या करते हो? आपको भी इसका अच्छा अच्छा आपको कितना पैसा मिलता है 1 एकड़ का? 1 एकड़ का 10,000 रुपये। फसल कितनी होती है साल? दो दो। तो 1 एकड़ का आपको 20,000 रुपये मिलता है? हाँ जी। मुश्किल काम है, किसानों से अब माननी कहाँ बातें करते हैं, बस रोज नए नए ख्वाबों की बातें करते हैं। जैसे आपके 5 एकड़ हैं, हाँ, तो पूरे को करने में कितना टाइम? पूरे को तो जी पूरा दिन लग जाएगा, 1.5 दिन भी लग जाए, मतलब 1.5-2 दिन में आपका पूरा हो जाता है। हाँ, उसमें कितना पैसा लगता है? तो ट्रैक्टर का डीजल हो जाए। हाँ, कितना डीजल लगेगा 5 एकड़ में? लग जाएगा 10,000 का तेल। और इसमें 1 एकड़ में कितना लेबर लगता है? 10 बंदे भी लगा देंगे। हाँ, कम बंदे होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 10 बंदे कितना टाइम में करेंगे इसमें? दोपहर तक कर देंगे। और इसमें कितना पैसा लगेगा आपका? ये लेते हैं जी 3,500 रुपये। 3,500 रुपये जो हैं, हाँ, कितने लोगों के लिए, कितने टाइम के लिए? जैसे 10 बंदे हैं, हाँ, 1 एकड़ लगा दिया, हाँ, 3,500 रुपये। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये सब जो प्राइवेट हो रहा है, हाँ जी, ये फायदा किसको जा रहा है? फायदा दो जा रहा है, जिसको बड़े 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 लोग तो जा रहे हैं। मान लो आपने 5 साल काम किया, हाँ, फायदा कितने साल होता है और नुकसान कितने साल जाता है? नुकसान का तो जैसे बरसात ज्यादा होगी, हाँ, हाँ, फसल मर जाए। हाँ, 5 साल में 3 बार खत्म होगा, 2 बार मिलेगा, तो ज्यादा नुकसान होता है, ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप 10 साल पहले, आसान था या अब आसान है? पहले आसान था। क्यों? पहले सारी सुविधा मिल जाया करती है। क्या क्या मिलता था जो आज नहीं मिलता? जो बीमा है जैसे सब कुछ मिलता था पहले, और भी मदद बहुत सरकार की तरफ से। ये सरकार दो जी बहुत निकम्मी है बिल्कुल, इससे किसान दो पहला दर्जा है सरकार का, ये खत्म कर दिया है। मतलब आपकी जिंदगी आसान हो रही है या मुश्किल हो रही है? मुश्किल हो रही है जी अब तो। क्यों? क्यों मजदूरी नहीं, पहली बात तो, पहले इसको नहीं मिलता तो मेरे को कौन देगा? तो क्या क्या स्कूल में क्या क्या पढ़े आप? मैंने 10th कर रखी है। 10th? तो मेरा सपना क्या था? सपना था दादी, उस टाइम जब आप पढ़ रहे थे, मैं तो ये मान रहा था आर्मी में पैदा हूँगा, आगे बच्चे भी आर्मी ज्वाइन करेंगे। मेरा बाप को बोले हेडमास्टर सब कुछ, बोले भाई अपने बच्चे को ले जा, क्यों पैसा खराब करे, हमारा दिमाग खराब। पापा को बोल दिया? हाँ जी। पापा ने क्या बोला? अरे भाई ठीक है, बोले आदमी थे जी, कोशिश की आर्मी में जाने की, पढ़ाई रह गया जी, आगे कौन जान दिया, बीच में छोड़ गया पढ़ाई, बीच में कैंसिल कर दिया छुट्टी में जी। माँ बाप ने बोल दिया भाई अपना ये काम कर, खेती बाड़ी वाला मजदूरी का, और ये सरकार तो कुछ भी नहीं दे रही। जिसको जमीन उसको तो 6,000 रुपये 3 किस्तों मिल जाती है, जिसको जमीन है उसको मिलती है, उसको मिलती है। जैसे तो आप यही नहीं, आप कर्ज पे ले रहे हो, तो आपको मिलेगा ही नहीं? नहीं मिलेगा। अच्छा दिखाइए कैसे करना, कैसे करते हैं? खेत जब तलक ना अपना हिस्सा अदा करेगी, अन्न उपजते नहीं जुवा पुरुष की जुमलेबाजी से।
इसको करने की मशीन नहीं आती, हाँ ये हाथ से ही करना पड़ता है। मशीन तो आती है जी, फिर कामयाब नहीं। राम राम। राम राम। अच्छे लगा रहे हो जी जमा? ठीक लगा रहा हूँ। हाँ अच्छे। कहाँ कहाँ के हैं आप? यहीं के हो सब? आप कितने घंटे से काम कर रहे हो? हम सुबह 7 बजे कर रहे हैं जी। और रोज करते हो? हाँ जी। गांव की गलियों में मिलता है बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद, माताओं बहनों से मिलता है चटनी रोटी का स्वाद। यो ले रहा बोतल, यो खा कर देखो जी, आप भी खाओ, ले मड़ा मड़ा ले लो। महिलाएं ज्यादा काम करती हैं या पुरुष ज्यादा काम करते हैं? ना जी, महिला कर रहे हैं ज्यादा काम है। हाँ। आप में से कोई ट्रैक्टर चला सकता है? ना जी, हमने नहीं चलाना था ट्रैक्टर। कभी नहीं चलाना ट्रैक्टर? भी आपको दिखता नहीं? मोतिया 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 हो गया जिसका इस गरीबी में ना। और क्या हम दिखवा देते हैं? दिखवाएं? दिखवा दो जी, से तो बात नहीं। ठीक है जी, और दिखवा दे। लुका है तो आपके जो बच्चे हैं, एक बच्चा है, वो आपको क्या लगता है वो भी मजदूरी करेगा या वो कुछ और करेगा? मैं पढ़ा दी हूं, कितने दुखी हो जाऊं। मगर पढ़ाने से फायदा होता है? फायदा है। होता क्या फायदा होता है? फायदा नहीं हो जाए, बाहर जाकर कितने बढ़िया काम करेगा, तरिया कुर्सी पर बैठ मेरा नाम रोशन करेगा। हां जी, आप मारी मारी पूछा, आपके बारे में तो अपने परिवार की बता दे नहीं बात कुछ है। मैं दिल्ली का हूं। फिर हमने भी एक बदली दिखा दी आपका काम घर। आ जाओ। अरे मेरा तो घर ही नहीं है। अरे मेरा सरकार ने घर ले लिया। ले लिया? फिर सरकारी दिखा दियो। हेलो प्रियंका। हेलो। हाँ क्या बोलो? नमस्ते बोलो। हाँ ला जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, क्या कर रही हैं? कैसे हो आप? ये अकेली नहीं है, यहाँ पे 20 महिलाएं हैं। गणी हाँ जी, हम तो कई खड़ी। हाँ आप कैसे? आप खेती में काम कर रही हैं? हाँ जी, धान लगा रहे हैं। बोलो बोलो क्या पूछ रहे थे? ये आपके घर खाना खाना चाहती है? हाँ जी। ये यहाँ पे सब 20 महिलाएं हैं, सब आपके घर आके खाना खाना चाहती हैं। मैंने कह दिया कि आ रहे हैं। तो मैं खिलाऊंगी जी, हमारा यो खेत का काम धान धूम लाग जेंगे जब आवेंगे। तो आपका खेत का काम कब खत्म होगा? न्यू तो कदे भी नहीं होता जी। ना जी, माई कभी नहीं जान देंदे, इतना काम है, मम्मी से बात भी नहीं होती। ये कह रहे हैं इनका काम खत्म नहीं होता कभी? अच्छा, वो कह रही है वो खाना ले आए क्या यहाँ? ना जी, यहाँ नहीं लाना, वही आ जाओगे। ना जी, यहाँ नहीं। भैया को बोलो, एक दिन भैया आए और आप लोगों को सबको बिठा के खुद चला के। हाँ जी, यह बात वेरी गुड है, वेरी गुड है। ये आपसे डेट मांग रही है? कोई भी डेट बोल दे। आपने दिल्ली देखी है? ना जी। नहीं देखी? ना जी, हमने दिल्ली नहीं देखी। तो फिर दिल्ली तो दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, मैं आपके घर आऊंगी आपके भाई के साथ। ठीक है, ओके। ठीक है जी, ओके, नमस्ते। महंगाई तो इतनी हो रही है, कुछ खान के नहीं रह रही। महंगाई बढ़ती जा रही है जी, बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, नौकरी चाहिए बच्चा ने, बिना रिश्वत कोई नौकरी नहीं देगा। पैसा ले जी, जब भी नौकरी नहीं मिलती। हाँ, जब भी नहीं मिलती नौकरी नहीं मिलती। बच्चे इतने पढ़े लिखे, मजदूरी कर लो। सोते कितने बजे? 11-12 बजे जाते हैं। काम करा, फिर कपड़े कपड़े धोवा, रोटी बनावा, मैसा गसानी सपानी, फिर ससुर के पानी दबा। हाँ, राम राम करेंगी मारी। देखो देखो। ना बहुत काम मिला रही है, बहुत भगवान है। धन्यवाद। जमी जो दिल की है वो उदास है, बंजर नहीं। प्यार बरसेगी तो ये फसल भी लहलहा उठेगी। ऐसी सरकार ने हमारे साथ धोखा कर रखा है, बीजेपी सरकार ने भी हमें ऐसे दलदल में डाल रखे हैं। बिना किसान को रास्ता मिलेगा ना मजदूर का, कभी रोड पर, कभी कहीं, कभी कहीं। बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रही है हमारे को। जब किसान तंग है तो सारा संसार तंग। हम बोते हैं खून पसीने से,
ख्वाबों की फसलें, भूख से बिलखती है हमारी आने वाली नस्लें। तो क्या करना चाहते हो बाद में बड़े होके? एनिमल डॉक्टर क्यों? मेरे को पशु अच्छे लगते हैं। यस। अच्छा, तो कौन से पशु अच्छे लगते हैं आपको? बफेलो। बफेलो, कैसे हैं आप? नमस्कार। रमन लेके आया हूँ जी, यहाँ के पेड़ की है जी। नहीं, देश के किसान और मजदूर के लिए इससे बड़े सम्मान की और क्या बात होगी? आप हमारा मैं देखना चाह रहा था, थोड़ा समझना चाह रहा था। मिलेंगे, बात करेंगे फिर से, खुशी तो है। नमस्कार, कैसे हो? जी, आपका नाम? अच्छा, कैसा लगा दिल्ली, कैसे लगी?